इंडियन रेलवे ने साल 2018 में आईसीएफ कोचेस बनाना बंद कर दिए और अभी रेलवे की सारी फैक्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ एलएचबी कोचेस बनाती है। रेलवे ने डिसाइड किया कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ट्रैक्स पर जितने भी आईसीएफ कोचेस चल रहे हैं उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा और उसके बदले में सिर्फ एलएचबी कोचेस चलाई जाएंगी। लेकिन ऐसा डिसीजन रेलवे को इतनी जल्दबाजी में क्यों लेना पड़ा, आज इसी चीज के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, रेलवेज ने बहुत ज्यादा लंबे समय तक आईसीएफ कोचेस का इस्तेमाल किया है और ये टेक्नोलॉजी काफी पुरानी है। इनफैक्ट जब आईसीएफ कोचेस बनाना शुरू भी किया था उस टाइम भी ये टेक्नोलॉजी पुरानी होना शुरू हो गई थी। आईसीएफ कोचेस से कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है जिन्हें नॉर्मल अपग्रेडेशन के साथ में सॉल्व नहीं किया जा सकता, बल्कि इन्हें रिप्लेस करने की जरूरत है। अगर इन कमियों या प्रॉब्लम्स की बात करें तो इनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आईसीएफ कोचेस के पीछे है वो है सेफ्टी। जब किन्हीं भी दो कोचेस को जोड़ा जाता है तो उनके बीच में कपलिंग मौजूद होती है। आईसीएफ कोचेस के अंदर ड्यूअल बफर हुक टाइप कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादातर जितने भी आईसीएफ कोचेस ट्रैक्स पर दौड़ते हैं इनमें इसी प्रकार की कपलिंग का इस्तेमाल किया गया है। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इस तरीके की कपलिंग का ऐसा है कि जब भी कोई अगर एक्सीडेंट हो, अगर ट्रेन कहीं टकरा जाए तो उस समय पर नॉर्मल डीरेलमेंट के बदले रेलवे के कोचेस एक के ऊपर एक चढ़ने लगते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा बुरे तरीके का एक्सीडेंट होता है और जान माल की हानि बहुत बड़े पैमाने पर होती है। जबकि एलएचबी कोचेस के अंदर सीबीसी कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है जो हुक टाइप से पूरी तरीके से अलग है। इन कपलिंग के कारण अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है तो रेलवे कोचेस एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती, साइड बाय साइड वो डीरेल हो जाती है जिसके कारण जान का नुकसान नहीं होता। अगला फैक्टर है कंफर्ट, जिसके कारण आईसीएफ कोचेस को एलएचबी में कन्वर्ट किया जा रहा है। दोस्तों, एलएचबी कोचेस के अंदर सिर्फ ड्यूअल स्प्रिंग सस्पेंशन यूज की जाती है किसी बोगी के एक साइड में, जिसके कारण कंफर्ट ओके सा मिलता है और वो भी सिर्फ एक ही फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में होता है, जबकि साइड बाय साइड मूवमेंट को अभी के आईसीएफ कोचेस किसी भी तरीके से काउंटर नहीं कर सकते। जबकि एलएचबी कोचेस में ना सिर्फ स्प्रिंग सस्पेंशन होते हैं लेकिन इसके साथ में न्यूमैटिक सस्पेंशन या आप इसे एयर कुशन सस्पेंशन भी कह सकते हो वो यहाँ पे प्लेस होते हैं, और जो साइड बाय साइड मूवमेंट कोचेस की होती है उसे भी कम करने के लिए यहाँ पर सस्पेंशन में एक अलग सिस्टम दिया जाता है, जिसके कारण एलएचबी कोचेस बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और स्मूथ राइड प्रोवाइड करती है कंपेयर टू कोचेस, जो फिर से आगे जाकर सेफ्टी के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी करता है। अगला दोस्तों फैक्टर है पैसेंजर कैपेसिटी। आज के आईसीएफ कोचेस 64 लोगों को अपने अंदर हैंडल कर सकती है अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो, जबकि एलएचबी कोचेस 72 पैसेंजर्स को होल्ड कर सकती है और ये कोचेस किसी नॉर्मल आईसीएफ कोच से 2 मीटर ज्यादा लेंथ रखती है, जिसके कारण ओवरऑल ट्रेन की कैपेसिटी अच्छी खासी बढ़ जाती है। अगला दोस्तों फैक्टर है स्पीड। एक आईसीएफ कोच मैक्सिमम ऑन पेपर 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक दौड़ सकता है, लेकिन ट्रैक कंडीशंस और दूसरे कई अलग फैक्टर्स के चलते हुए इन कोचेस को 110 से लेकर 120 की स्पीड के ऊपर नहीं चलाया जाता है, जबकि एलएचबी कोचेस 200 या कुछ केसेस में 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी कैपेबल है, लेकिन इन्हें आज हमारे रेलवे में कुछ जगहों पर 160 तक चलाया जाता है। अगला दोस्तों बड़ा कॉस्ट एक जो एलएचबी और आईसीएफ कोचेस के बीच में है वो है लाइफ टाइम कॉस्ट। आईसीएफ कोचेस एलएचबी के कंपैरिजन में इनिशियली बनाना ज्यादा महंगे हैं, इन्हें ज्यादा छोटे गैप्स के अंदर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और मेंटेनेंस के दौरान भी ज्यादा पार्ट्स इनके अंदर रिप्लेस होते हैं। इन कोचेस के अंदर रस्टिंग की समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि अब स्टील का इस्तेमाल ज्यादा बड़े स्केल पर किया जाता है और इन कोचेस को लंबी लाइफ जीने के हिसाब से नहीं डिजाइन किया गया, जबकि एलएचबी कोचेस ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के समय पर ज्यादा सस्ती होती है लेकिन इनका मेंटेनेंस ज्यादा लंबे समय बाद में निकालना पड़ता है। इनमें कोरोजन की समस्या नहीं होती और ज्यादा पार्ट्स रिप्लेसमेंट की भी जरूरत एलएचबी कोचेस में नहीं पड़ती, जिसके कारण रेलवे एलएचबी कोचेस पर लंबे समय में ज्यादा पैसे और टाइम दोनों की बचत करता है। अगला दोस्तों एक छोटा फैक्टर है नॉइस का। एलएचबी कोचेस आईसीएफ कोचेस के कंपैरिजन में 40% कम आवाज करती है क्योंकि इनमें सस्पेंशन अलग टाइप का है, बोगी पूरी अलग टाइप की है, इसके कारण इसका नॉइस कम होता है, जबकि आईसीएफ कोचेस जैसे आप जानते हो कि बहुत ज्यादा नॉइजी होती है। अगला दोस्तों एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दोनों कोचेस के बीच में होता है वो है किस तरीके से ब्रेक करते हैं। आईसीएफ कोचेस के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण एक ट्रेन को रोकने के लिए काफी लंबे डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, जबकि एलएचबी कोचेस के अंदर डिस्क ब्रेक्स का इस्तेमाल किया जाता है जो व्हील एक्सल्स के बीच में फिट किए गए होते हैं, जिसके कारण कम डिस्टेंस में भी एलएचबी कोचेस के द्वारा लेस ट्रेन रुक सकती है। बेसिकली अगर इन कंक्लूजन कहे कि रेलवे को क्यों इतने जल्दी जल्दी आईसीएफ कोचेस रिप्लेस करने की जरूरत पड़ रही है तो इसका एक सिंपल आंसर है कि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। वैसे देखा जाए तो 20 से 25 साल पहले रेलवे ने अगर धीरे धीरे कोचेस को रिप्लेस करना शुरू कर दिया होता तो अब तक हमारे रेलवे की पूरी फ्लीट एलएचबी फाइड होती या फिर किसी नई टेक्नोलॉजी के कोचेस रेलवे में चल रहे होते,
लेकिन क्योंकि इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और हमारी फैक्ट्रीज ने दशकों तक बिना ज्यादा चेंजेस के ICF कोचेस प्रोड्यूस करते रहे, इसके कारण हमारा कोचेस चेंज करने का इंटेंशन बहुत ज्यादा पीछे चला गया। साल 2016 से लेकर 2018 के बीच में कई सारे रेलवे एक्सीडेंट्स इसके कारण हुए क्योंकि उनके अंदर ICF कोचेस का इस्तेमाल किया जा रहा था, और 98% जो रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें ICF कोचेस के कारण ही जाने जाती है, जबकि LHB का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा सेफ रहा है। इन जैसे कारणों के कारण रेलवेज को जल्दी में ये डिसीजन लेना पड़ा है कि जो 20-25 साल का काम है वो उन्हें 8 से 10 साल के अंदर ही करना पड़ेगा, और जो ICF कोचेस है वो रेलवे की बढ़ती कैपेसिटी के अंदर दूसरे यूजेस में इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे उन्हें पार्सल वैन्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फ्रेट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन पैसेंजर्स के लिए आगे जाकर आपको धीरे धीरे सारी ट्रेन्स LHB 5 होते हुए नजर आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।